नमस्कार। आचार्य तुलसी जी द्वारा दो प्रकार के मंत्र महाव्रत एवं अनुव्रत का वरदान देकर आह्वान किया गया कि हम स्वहित से परहित की भावना की ओर अग्रसित हों तथा सांसारिक से आध्यात्मिक की ओर जाना। महाव्रत से तात्पर्य है बड़े संकल्प जो कि संतों द्वारा पूरे किए जाते हैं, जबकि अनुव्रत श्रावकों द्वारा फलीभूत किए जाते हैं। अनु से तात्पर्य छोटा तथा व्रत से अर्थात संकल्प। संकल्प सदैव सकारात्मकता का प्रतीक होते हैं। आचार्य तुलसी जी का मत था कि यदि हम अपने जीवन में छोटे छोटे संकल्प लेकर उसका निष्ठा से पालन करते हैं तो हम न केवल अपना जीवन अपितु अपने आसपास के व्यक्तियों का जीवन भी बदल सकते हैं, अर्थात भौतिकता से अध्यात्म की ओर, सूक्ष्मता से वृहत्ता की ओर, पुंज से कण से पुंज का निर्माण, तिमिर से उजाले की ओर तथा आत्मा से परमात्मा का मिलन। यह विषय इतना आसान था कि इसमें धीरे धीरे संख्या क्रमशः बढ़ने लगी। लाखों लोगों द्वारा अनुव्रत आंदोलन से प्रेरित होकर हिंसा, मद्यपान, मांसाहार, झूठ, छल, कपट आदि अवगुणों का त्याग किया गया। अनुव्रत चरित्र प्रधान जीवन दर्शन असाम्प्रदायिक धर्म तथा नैतिकता का राजमार्ग है। यह वर्तमान का मूल्यांकन कर समस्या समाधान का सूत्र प्रस्तुत करता है। अनुव्रत इच्छाओं का अल्पीकरण तथा भोग का परिसीमन का संकल्प भी होता है। आज इस भय परिस्थिति में जहां COVID-19 ने समस्त जगत को निराशा की खो में धकेल दिया है, वहां अनुव्रत की सार्थकता शत प्रतिशत दृष्टिगोचर होती है। जहां स्वयं को जलाकर दूसरों के मार्ग को प्रकाशित कर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। बच्चों में आध्यात्मिक विकास के लिए अनुव्रत विश्व भारती द्वारा रचनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। अभिनव प्रयोगों द्वारा न केवल प्रतिभा को निखारा जाता है अपितु यह सभी को जोड़ने के सेतु का कार्य भी करता है। आत्मविश्वास से लबरेज भविष्य निर्माताओं द्वारा राष्ट्र की प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने का यह एक उत्तम विचार है। जहाँ बच्चों द्वारा अपने भावों को सृजनात्मकता से गायन, लेखन, वादन, चित्रण आदि द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। बीकानेर की कक्षा 3 से 12 के विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि वो इसमें अधिक से अधिक भाग लेवें तथा अनुव्रत को अपने जीवन में उतारकर दूसरों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करें। इसे सफल बनाने के संकल्प के उद्घोष से विशालकाय गगन को संचरित करना है। हमें शून्य से शिखर तक पहुँचना है। शुभकामनाएं।